उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस घमासान में दोनों ही पार्टी के नेता सभी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच इटावा में बीते 22 जून को अचानक लापता हो जाने के बाद बीडीसी मेंबर के पिता ने सपा नेताओं पर अपहरण किए जाने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने बीडीसी सदस्य को बरामद कर कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट के गेट पर सपा और भाजपा के नेताओं का जमावड़ा लग गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद भी दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। गांव बावड़ी के बीडीसी सदस्य को 7-8 दिन पहले समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कंती यादव, इन्होंने इनके सहयोगियों ने उसको जबरन उठा लिया था, जिसकी शिकायत उसके पिताजी ने थाना बड़पुरा में की। माननीय विधायक जी के आवास पर भी पत्नी, उनके चाचा, उनके ससुर, उनके सब आए के रोए और हमारे पास भी कई बार आए मदद के लिए। तो मैंने कप्तान साहब से कहा कि उसको छुड़वा के और उसके घर, उसके पिताजी के पास सकुशल वापसी करा दें, पर इतनी सी बात है और मैं कुछ नहीं। आज यहाँ पर न्यायालय के गेट में खड़े हैं, की स्थिति क्यों आ रही है? वो जबरन ले जाना चाहते हैं, गुंडावर्दी जो है बल पर। तो वो कहाँ जाना चाहता है? वो अपने घर जाएगा, वो अपने घर जाना चाहता है। आप भी तो अपने घर जाएंगे? कोई व्यक्ति अपने पिताजी आप नहीं, अपने पिता पत्नी के पास ही तो जाना चाहे, घर जाना चाहेगा। उसको जबरन प्रेशर में ले लिया है, पैसा का प्रलोभन दे दिया है। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीडीसी मेंबर के गायब होने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर कोर्ट में पेश किया है। एक बीडीसी सदस्य थे जिनके संदर्भ में एक अपहरण का मुकदमा थाना बड़पुरा में लिखा गया था 22 तारीख में। पुलिस ने उसे बरामद किया, आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, उसके 164 के बयान हुए। उसके बाद माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए, क्योंकि वो बालिग था, अपनी स्वेच्छा से जाए, इसके लिए उसे अवमुक्त कर दिया गया था उसकी स्वेच्छा के आधार पर, और वो चला गया है अपने पिताजी के साथ। अच्छा, तो ये जो अपहरण का मामला लगाया गया था, ये निराधार निकला या सही निकला, क्या हुआ? ये विवेचना चल रही है इसकी, कोर्ट के जो भी निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके आधार पर इसका निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये आईओ इसका अवलोकन करेंगे, उसके आधार पर किया जाएगा, अभी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। इस दौरान मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव और भाजपा की सदर विधानसभा सीट से विधायक सरिता भदौरिया आमने सामने आ गए। किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया गया। बहरहाल बीडीसी मेंबर को उसके पिता के साथ घर भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।